बहुत अच्छी, क्लैपिंग करो बच्चे। चोट लगने के बाद भी स्कूल आई थी, मैंने बोला भी कि रेस्ट कर लो एक दो दिन, नहीं बट ये फिर भी स्कूल आई थी। मतलब पढ़ाई के लिए बहुत डेडिकेटेड है, कुछ ना कुछ जरूर करेगी लाइफ में। बता के क्या लिख रही है, खुशबारी खाने की, खुशबारी खाने पर हमें नहीं मिलेगा। अच्छा सर, रखा है, खाना मन थोड़ा है तो हमें थोड़ी देगा, स्टाफ को मिलेगा ना। अच्छा अच्छा, स्टाफ के लिए क्यों खाने दो, कोई नहीं हम ही लोग हैं। अच्छा मैं लेट आया हूँ, जाएगी बता कितने साढ़े बारह। हाँ इसलिए बोलो, मुझे 3 बजे ना मेरी कुछ मीटिंग है घर पे, मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन ठीक है, इसलिए बोली एक 12:30 बजे आ जाएगी। अभी अभी बहुत की तबीयत खराब है ना, तो मतलब तेरा पक्का नहीं है ना, फिर तो फिर दूरान दे बताइए, कैसे बताएगी फोन करके, पिछली बार तुम्हारे 70s में थे हिस्ट्री में मार्क्स, तो बताऊंगी इस बार वाला बेटा। मैम नहीं, मैम नहीं पता, पिछली बार पिछली बार वाले नहीं मैम, पिछली बार वाले ना हमने पेपर देखा ना हमें मार्क्स पता चला हिस्ट्री का, सिर्फ एक कंसर्न है ऑनलाइन क्लास में नहीं। अच्छा आप लोग सबके पास स्मार्टफोन है ना, देखो है तो फिर ये क्लास में ठीक है, लॉन्ग आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस, उसको तो कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, बस अभी वाला अभी वाले चेक नहीं हो पाए ना, ये थोड़ा सा मैम के पास बहुत सारे कैसे। अच्छा अच्छा, कुछ दिक्कत हो गई थी जिनको दिया गया था वो चेक नहीं कर पाए, और अभी आधा ही चेक हुआ है इसका, हुआ नहीं तो मैं नंबर बता दें। ओके चलो कोई नहीं, पता लग गया। हाँ नरगिस का तो पढ़ने में अच्छी है, इतनी अच्छी है कैरियर में, मार्क्स बताइए आप मुझे, मार्क्स मैम के पास सब्जेक्ट में। अच्छा पढ़ने में ठीक है, हम हाँ जी पढ़ने में बहुत अच्छी, थैंक यू मैम, बस आप लोगों का सपोर्ट है जब भी पढ़ने में अच्छी है। देखो बच्चे की अपनी मेहनत पहले है, हम तो देखो गाइड करने का काम हमारा जो है वो है ही है, बाकी इनकी मेहनत है, मैं तो अपने बच्चों का कहूँगा तुम लोग पढ़ते दिखाई देते हो लेकिन काम करते हुए पढ़ती थी, उससे लिखने से पता लगता है कि बच्चा पढ़ता है। जब तो चोट लगी तब से थोड़ा सा कम हो, और ज्यादा रिजल्ट तो मिले। हाँ तो पढ़ने में अच्छी है, मेरे सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छी है, बताती भी है क्लास में और अच्छा। अपने आप करने वाली, अपने आप सिंसियर, मतलब क्लास में मेरे सब्जेक्ट में तो सबसे टॉप मोस्ट इसका ही नंबर है, वो बात अलग है, पर बात बहुत सारा मैंने डिस्कस कर दिया, लेकिन वो नालायक बच्चे जो वो भी नहीं करते कि इंपॉर्टेंट बता दो तब भी नहीं करते, 3-4 पेपर भी तुम बहुत अच्छी तरह याद कर लोगे ना, और वो और सबको भी मैं ये कहूँगी, ऐसा नहीं कि पर्सनली कह रही हूँ, लेकिन सुनते नहीं और बच्चे ये सुनती है, ये भी बात है, कहता भी ज़्यादा थोड़ा उसको प्रेशर देता है कि तो जो समझता है चीज़ ये समझती है और फॉलो करती है, तो ये इसीलिए तो हर सब्जेक्ट में टीचर तारीफ ही कर रही होगी मेरे ख्याल से, आपका संस्कार है आपका है, फिर भी आप लोगों का भी सपोर्ट होता है, टीचरों का भी जितना सपोर्ट हमें होता है हमारा होता है उसमें टीचरों का भी होता है। क्लास में 50 बच्चा है, हम जो खड़ा होकर बोलते हैं इसे कान में नहीं बोलते, मतलब सबको बोलते हैं ना, लेकिन कुछ फॉलो करते हैं, तो आपका संस्कार कहीं है इसमें। जी मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है, थोड़ी सी कमियां थी वो मैंने इसको बता दी, सिंसियर है, सारा काम एक्यूरेट रखी है, बहुत अच्छी बच्ची है, थैंक यू मैम, बहुत अच्छी, क्लैपिंग करो बच्चे। चोट लगने के बाद भी स्कूल आई थी, मैंने बोला भी कि रेस्ट कर लो एक दो दिन, नहीं बट ये फिर भी स्कूल आई थी। मतलब पढ़ाई के लिए बहुत डेडिकेटेड है, कुछ ना कुछ जरूर करेगी लाइफ में। देखिए मैम, डॉक्टर इसका सर्वे कर रहे थे तो इसको ना ये था बस मेरा हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए, राइट हैंड क्योंकि इसके ब्लड यहाँ से निकल रहा था और उल्टिया चालू थी, बस इसके माइंड में था मुझे मेरे हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि राइट हैंड था ना अभी, पर उतना मेरे को फोकस नहीं होता, हड्डी थोड़ा अंदर ज़्यादा दिक्कत है, मुझे जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। नहीं नहीं दिखाओ फाइनल से पहले ना, बच्चे इसका इलाज करवा लो ठीक है, अब सिर्फ रिवीजन बाकी है, आप तो उसको कवर कर लोगे, बट ये हाथ का ट्रीटमेंट जरूर करवा लो फाइनल से पहले ठीक है। बच्ची बहुत अच्छी है, फिर से मैं बोलती हूँ, पूरी क्लास में एक नरगिस है।
अदरवाइज मैं इनकी क्लास में कुछ भी बोलती रहूँ, बच्चों को ये नहीं पता कि मैं कौन सा पेज पढ़ा रही हूँ। ये रियलिटी इनकी क्लास की, ये पता नहीं उस सेक्शन में कैसे है। मैं खुद हैरान थी इस बच्चे को, उस सेक्शन के बच्चे नहीं पढ़ते बिल्कुल भी। आप रियलिटी मानोगे, उन्हें ये नहीं पता कि मैंने अभी क्या बोला है। एक सेकंड पहले आप उनसे ये नहीं पूछ सकते कि मैम ने क्या बोला है। और सिर्फ इंग्लिश नहीं, सारे सब्जेक्ट का यही हाल है। ये नरगिस को भी पता है, यही हाल है ना, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते। ये उस सेक्शन में कैसे चले, मैं इस बात से हैरान हूँ। इतनी अच्छी और टैलेंटेड बच्चे। अब हो गया कुछ मिस्टेक लोगों से थोड़ा, हमने भी थोड़ा सा हो गया, हमने उस टाइम फोकस नहीं करा चीज़ों को। ये तो साइंस स्ट्रीम की बच्ची है, क्या बोल रही हूँ तो मेरे में एनर्जी कहाँ से आएगी। मैं ये होता है बच्चा इंटरेस्ट लेगा तो हमें अच्छा लगेगा। सिर्फ एक इस बच्चे के लिए क्लास में लेक्चर डिलीवर करती हूँ मैं तो साफ बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये बच्चा सुनने वाला है और ये सुनता है हमेशा। ठीक है, बट इसके हाथ का है। हाँ मैम, करवाना पड़ेगा मेरे को ना। उस टाइम जब हम लेके गए ना, तो इसने ना थोड़ी लेसन वगैरह डाली थी, तो उस टाइम में ये चीज़ दिखी नहीं, यही दिखा। बट जब मैं घर लेके आ गई तो पता लगा। अभी मैं रोज इसकी पट्टी करती हूँ, तो ये जो हड्डी है ना, हड्डी वाला पार्ट्स अंदर थोड़ा दिखा, एक्सरे वगैरह हो जाएगी ना। हाँ वो करना, ठीक है। इस हाथ से अभी थोड़ा काम कम करना है, रिटर्न तो करो ही, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि मेरे बेटे अच्छा पढ़ते हैं। सब टीचरें तारीफ करती है तो अच्छा ही लगता है ना भैया। बच्चे अगर मान लो कंप्लेन हो तो थोड़ा सैड हो जाते हैं हम, बट सारी तारीफ कर रहे हैं सारे लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।